हाय गाइस, नमस्कार। कैसे हो सब लोग? आए हो आप सारे अच्छे होंगे, सब मजे कर रहे होंगे। तो यार आज जा रहा हूँ मैं भोलेनाथ के दर्शन करने, यानी कि केदारनाथ दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। गाड़ी अपनी ले लिए घर से, एक दो फ्रेंड है वो साथ में जा रहे हैं, एक दिन ने है उसको मैंने बोला है, और एक उसका भांजा और एक और फ्रेंड है, तो हम चार जा रहे हैं अभी। तो दुआ करो हमारी जर्नी अच्छी रहे, अच्छे से हम पहुंच जाए और अच्छे से घर आ जाए। मम्मी पापा को मैंने बोल ही दिया है कि भाई मैं वहां जा रहा हूँ, लेकिन पापा कह रहे कि भाई मत जा वहां, रास्ते खराब ही है वो। मैं चल कोई नहीं, आराम से जाएंगे, ऊपर वाले का आशीर्वाद और फिर पीर बाबा का आशीर्वाद, और फिर गाड़ी चलाने वाले सारे अच्छे से गाड़ी चला लेंगे। तो अभी उनको मैं दोनों को पिक कर लेता हूँ यहाँ से, भांजा राजा वहां मिल जाएगा आधे रास्ते, तो वहां से फिर हम चलेंगे आगे। तब आप ले लिया, इसको बैठा लिया, अब चल रहे आगे। आगे रास्ते में मिल जाएगा अपना भांजा राजा, उसको बैठाएंगे फिर चलते हैं। तो भाई भांजा राजा हमारे यहाँ खड़ा है, इसे अब लेके चल रहे आगे। लेट तो नहीं हो गए? ज्यादा लेट तो नहीं हुए? तो वह अभी यहाँ रुके, चाय वाय लेंगे यहाँ से, फिर आगे बढ़ते हैं। चाय पराठा, अब जा रहे हैं यहाँ से। कोई मोटे मोटे लग रहे हैं यार, बाल वाल कटवाने से ना फेस मोटा एकदम। चलो भाई, तो भाई इनकी गैल रह के आज यू भी पीनी पड़ रही है। हेल, हम तो बंदा हेल, हम तो गंदी चीज पिलावे भाई। देख ले भाई, यू कहेगा साउंड को बता रहे है यार पूरी रात। हम यार यहाँ अभी हमने जैसे खाया थोड़ा बहुत, तो उसके बाद में वहाँ टीवी पे बड़ी सी स्क्रीन पे वो चल रही थी न्यूज, मतलब कहीं ना पहाड़ पुड़ गिर गए। तो अभी हम बद्रीनाथ और वहाँ जा रहे थे, कहाँ जा रहे हैं मतलब केदारनाथ। तो यार वहाँ का थोड़ा अब हमें डर लग रहा है, देखो घर बाल बच्चे फैमिली है सब है, तो इसलिए अब हम या तो ऋषिकेश तक ही जाएंगे, रात में हरिद्वार चले जाएंगे यहाँ, और फिर ऋषिकेश घूम घूम के दो तीन दिन वहीं से वापस आ जाएंगे भाई। केदारनाथ में हुआ क्या, वो तो बताओ। केदारनाथ में पहाड़ गिर गए, लैंडस्लाइडिंग हुई है, तो इसे लै सुनाई दे रही, कुछ सुनाई दे रहे ये बांध जाए हमारा दिल्ली का ये। और दिन ने जो ये मेरा फ्रेंड है, हम मतलब स्कूल टाइम से है, और अभी 14-15 साल बाद ये लड़का मिला है, तो हम कहीं घूमने जा रहे हैं। एक बार गए थे बस, पर मुझे एक खुशी है, भाई ने बोला कि मेरी तरफ से आपको ट्रिप फ्री है, तो अभी मैंने बहुत मोटा कमाया है, तो मोटा छापा है, मोटा मोटा आप मेरे साथ चलो दो तीन दिन के लिए जा रहे हैं, देख के आते हैं थोड़ा घूम के। मैं घर तक तो रोज वही घूमे, यू भी वही चला घुमा के लिए आवे, वैसे अकेले अकेले जा, अपने बालकन के जाए ये सब कहने वाली बात है, मैं कहीं नहीं जाता, मैं बस तेरे साथ आया पहले। तो अब जाके बहुत टाइम बाद पिछली बार भी ये कह रहे हैं ऐसी कहीं कहीं गल गए घूमने, प्लान कहीं और को चेंज होगा, मतलब ऐसे क्या करे, फंसे जाते हैं जब आते हैं तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो भाई देखते हैं अब आगे चल के, देखो आगे जो हासिल होगा वो करेंगे। हर महादेव, जय भोलेनाथ। अब नया लेके आ, इसको मेरे यार फोन गिफ्ट में दे दे यार, 14 साल बाद हमें ले, मेरे भाई ऐसी बात है, पैसे ले ले, ऐसी आप पैसे ले ले तो भाई एक इसे दे के मुझे नया लेके आ, 1 TB वाला। यार ये ब्लॉग डालना है तो कितने का आ रहा 1 TB वाला? 160 का आ रहा होगा, लेके आ। अभी तो 130 का कह रहा था, लिया लिया तो दिक्कत नहीं। अरे यार 1.60 का होगा, 1.30 का आएगा, जो भी आएगा लेके आओ से, क्योंकि वो 1.30 का जब आ ही रहा है और फिर 10,000 उस टाइम को छोड़ता मैं डिस्काउंट करा, तो मेरी कुछ है दो दिन पहले मेरा बर्थडे गया तो गिफ्ट नहीं होता है, फोन गिफ्ट नहीं दिए जाते, इसके पैसे लिए जाते हैं, पैसे नहीं चलो चाहे जाए चाहे कुछ भी है, अभी देश के 80,000 में कल ही छुड़वा दूंगा। 80,000 फिर मैं इसके 40 लगा रहा हूँ, पर ये भांजे के लिए 80,000 मैंने ऑफर दिया, 80,000 वैसे मैं 40 का ले रहा था, इसको 20,000 रूपया देकर नया लिया। मिल जाएगा ना 1 TB वाला? हाँ मिल जाएगा, चलवाई लाएंगे तो मेरी सेटिंग है कुछ करा, हाँ यह की सेटिंग है उनकी दुकान है, अपना खास है भाई। नहीं नहीं मेरा भाई है, अच्छा एक भाई है, सेटिंग की दुकान, वो सेटिंग अपना खास है अपना, तो दिला मैं तो सेटिंग की 1 TB का लेके आ,
तेरे लिए अच्छा रहेगा, तू वीडियो डालता रहता, हम तो डालते नहीं है, देखते हमारी कोई देखता भी नहीं है, ना हमारी रील चलती ना कुछ हो रहा है, बहुत रील चलाएगा। अरे रहन दो यार, लॉकडाउन में ना वही सिटी में बैठ के बहुत रील बना रहा। लॉकडाउन में टिकटॉक था उस टाइम, टिकटॉक तो बंद कर दिया तो वही, टिकटॉक तो बहुत लोग फैन हुए भाई उनके, मेरे उस पे बहुत थे। सही है, इंस्टा पे भी है, पर इंस्टा पे तो पता नहीं कोई खा रहा है उल्टा उनको, ले रहा है, ले जाओ ले, घट जाए यार, मेरे घट गए, मेरे 15 ही अब घटते घटते यार, मेरे 30,000 थे, 16,000 ले भाई, और मेरे 400 बहुत दुख है, मैंने वीडियो फोटो डालना ही बंद कर दिया, मेरे 400 थे, 300 हाथ दर्द का। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है, हर हर महादेव। ऊपर जो पहाड़ी में वहाँ है ना, वो मनसा देवी वहाँ दिखाई दे रही है, और इधर है चंडी देवी, और आगे हम चल ही रहे हैं, अभी ऋषिकेश की तरफ चल रहे हैं। हर हर गंगे, तो भाई ये है राम झूला, तो भाई अब चाय पी लिए हैं, यहाँ चाय पी के अब निकल रहे हैं आगे की तरफ, अभी हम यहाँ से जाएंगे सीधा केदारनाथ जी, रास्ते में देखते कहीं और रुकते नहीं रुकते, सुबह हो गई है, सुबह के बज गए छह नहीं पांच, पांच बज गए, तो वह तरुण को ना पिसाव आ रहा था, तो कह रहे यार करूँ कहाँ करूँ, तो मैं बोलते उसको सुसु, हाँ सुसु आ रहा था, मैंने बोल दिया भाई जा इसमें करके आ जाए पुलिस चौकी में, तो ये करके आ गया। हाँ जी, तो रात के 9 बजे से गाड़ी चलाते चलाते ये टाइम आ गया है, और भाई बारिश, अब हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है यहाँ पहाड़ों में, अब हम आ गए यहाँ से 170 किलोमीटर रह गया केदारनाथ बाबा का दरबार, और भाई बड़ा मस्त मौसम हो रखा है, जो व्यू मुझे दिख रहा है ना वो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, और ये दो पहाड़ी और बीच में से रास्ता, तो गाइस आज का व्लॉग मुझे लगता है यहीं खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब बढ़ते आगे नेक्स्ट व्लॉग करेंगे जो काफी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, तो भैया मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी। और वैसे भी हम अब यहाँ से हमें हमारा रह गया कुल 70 किलोमीटर केदारनाथ, अब आगे की यात्रा नेक्स्ट व्लॉग में, जय माता दी, जय भोलेनाथ।